तो आज हम बनाने जा रहे हैं दूध वाली सेमियां, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इन सेमियों को हम खाने के बाद मीठे में भी खा सकते हैं और त्योहारों के टाइम में भी हम इन सेमियों को मीठे में बना के खा सकते हैं। और इन दूध वाली सेमियों को हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दूध वाली सेमियां बनाते हैं तो दूध जो होता है वो फट जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम सेमियां बनाएंगे, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी सेमियां बनाएंगे तो आपका जो दूध होगा वो कभी भी नहीं फटेगा और इन सेमियों का टेस्ट तो इतना अच्छा आएगा ना कि आप बार बार इन्हें बना के खाएंगे। तो चलिए ये सेमियां बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं दोस्तों बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पैन में एक चम्मच देसी घी डाल के गरम कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम कटे हुए बादाम, उसी के साथ ही कटे हुए काजू। अभी हम इन दोनों को स्लो फ्लेम पे एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पिस्ता, किशमिश और घिसा हुआ नारियल, ये हम इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि वो तीनों चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो एक मिनट तक हमने इनको स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए पिस्ता, उसी के साथ ही किशमिश और मोटी साइड से कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम स्लो फ्लेम पे करछी चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको हमें बस हल्का हल्का ही फ्राई करना है ताकि इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ये थोड़े से ब्राउन ब्राउन हो जाएं। जैसे ही ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे वैसे ही ये क्रंची भी हो जाएंगे और इन ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट सेमियों में बहुत ही अच्छा आता है। तो इन ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इनमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, मतलब कि ये अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने का एक फ़ायदा और भी है, इससे होता ये है कि हम इनको जब भी दूध में डालेंगे तो दूध जो है वो कभी भी नहीं फटेगा। आप अगर खीर बना रहे हो, अगर आप उसमें भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसी तरह से फ्राई करके डालिए। और अगर आप फेनी सेमियां बना रहे हैं तो उसमें भी ये ड्राई फ्रूट इसी तरह से फ्राई करके पड़ते हैं। वैसे फेनी सेमियों की रेसिपी हमारे चैनल पे पड़ी है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब हम फिर से पैन में दो चम्मच देसी घी डाल के गर्म करेंगे और फिर हम इसमें 200 ग्राम सेमियां डाल के मीडियम फ्लेम पे लगातार करछी चलाते हुए इनको फ्राई करेंगे। गैस जो है वो आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, नहीं तो ये सेमियां जल जाएंगी। बस आप इन्हें मीडियम फ्लेम पे आराम से करछी चलाते हुए पकाते रहें और हमें इन सेमियों को हल्का ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। हमें इनको बहुत ही ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, अगर हम इसे बहुत ही ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो उससे इन सेमियों का टेस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि जो असली टेस्ट है वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हम इनको लाइट ब्राउन होने तक ही पकाएंगे। तो ये देखिए, हमने इन सेमियों को एकदम परफेक्ट फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इनका कलर कि इस तरह से हमने इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई किया है। आपको भी इन्हें इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो उसका टेस्ट जो है मैंने बताया वो आपको बहुत ही कम आएगा। अब हमें इसमें दूध डालना है, तो अब हम गैस को करेंगे बिल्कुल ही स्लो पे और फटाफट से इसमें गर्म गर्म दूध डाल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम गरम गरम दूध। हम इसमें एकदम उबलता हुआ गरम दूध डाल रहे हैं जो हमने दूसरी गैस पर रख के गरम किया था। गरम दूध डालने से होगा ये, एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और ये सेमियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और गरम गरम दूध डालने के बाद अब हम कर देंगे गैस को बिल्कुल ही फुल फ्लेम पे और फुल फ्लेम पे करने के बाद हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, दूध गर्म होने की वजह से इसमें सिर्फ 1.5 मिनट में ही उबाल आ गया। अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसमें करछी चलाते हुए इसे कम से कम 6 मिनट तक पकाएंगे।
बस हमें बीच बीच में कड़छी चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो पैन से बाहर ना निकल जाए। तो देखिए सेमियों को 6 मिनट हो गए हैं फुल फ्लेम पे पकते हुए और दूध जो है वो पहले से अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो सेमियां भी हम देख लेते हैं, ये देखिए सेमियां भी कितने अच्छे से पक गई हैं। अब डालेंगे हम इसमें एक छोटी कटोरी यानी के 100 ग्राम चीनी। वैसे मीठा दोस्तों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से डाल लीजिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से डाल लीजिए। और चीनी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे फुल फ्लेम पे ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छे से घुल जाए। और हाँ एक बात का हमें और ख्याल रखना है कि चीनी हमें हमेशा उबाल आने के बाद में ही डालनी है, हमें इसे पहले नहीं डालना, हमें इसे पहले पका लेना है अच्छे से, उसके बाद ही हमें इसमें चीनी डालनी है जैसे कि हमने डाली है। तो 2 मिनट हो गए हैं और इन सेमियों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब कि ये सेमियां बनके रेडी हैं। तो अब हम करेंगे गैस को बंद और इसके ऊपर हम थोड़े से और ड्राई फ्रूट लगा देंगे ताकि इनका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था ये दूध वाली सेमियां बनाना, और इसके टेस्ट की तो मैं क्या ही बात करूं, जब आप खाएंगे ना तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये कितनी टेस्टी बनती हैं और इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं। अब आप इन्हें गरम गरम खाएं तो भी आपको ये अच्छी लगेंगी, नहीं तो आप इन्हें फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खाएंगे तो भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और गरम गरम दूध डालने की वजह से ये एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी दूध वाली सेमिया की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई और सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।